तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अ पर्सन ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो चार ऑप्शन हमको दिए हैं और हमको पूछा है एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो भाई जो v एवरेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, ये फॉर्मूला होता है। x1 और x2 क्या है, डिस्टेंसेस है, और t1 और t2 क्या है, टाइम है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। एक पर्सन है, इसने क्या किया, ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस। इसने क्या किया, हाफ डिस्टेंस कवर किया। ये हाफ डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स। अब ये जो हाफ डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1। उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसको भी मान लेते हैं एक्स, और इसको कवर करने के लिए उसको वेलोसिटी लगे v2। ठीक, तो यहां पर हमको पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर बच्चों टाइम दिया नहीं है, तो हमको टाइम निकालना है सबसे पहले, या फिर ऐसा करेंगे टाइम की जगह पे वेलोसिटी और डिस्टेंस जो है वो ले लेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी एक्स अपॉन v1 किसके लिए आएगा, t1 के लिए, और t2 के लिए क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन v2 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम t1 और t2 की जगह पे x बाय v1 और x बाय v2 लिख देंगे। तो v एवरेज क्या होता है, तो x1 की वैल्यू कितनी है, x है, x2 की वैल्यू भी x है। उसके बाद t1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x बाय v1, और t2 की जगह पे लिखेंगे x बाय v2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2x अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यहां पर x और x मर जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस, सॉरी x की नहीं बचता, 2 बच जाता है, 1 बाय v2 ये बच गया है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये कितना आएगा, यहां पर 2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 v2। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ट्वाइस v1 प्लस v2, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।